सो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं हाथों स्टडी विद धीरज। पहले ही कितनी बार मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से मेरे को रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने सुबह का टाइम रखा है। सो अभी मैं पूरा अपडेट सिर्फ 2 या 3 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो टाइम लाइन से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जल्दी समझ में आएगा। CBSE जुलाई में एक सिलेबस रेडी करेगी। उस सिलेबस को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उनके बेसिस पे एग्ज़ाम लेंगे। 50% वाला पार्ट 1, जिसको ये लोग टर्म 1 कहेंगे, अपन एग्ज़ाम पार्ट 1 कह सकते हैं, एग्ज़ाम 1 कह सकते हैं, वो पूरा MCQ बेस्ड पे होगा। OMR शीट्स, जिनको नहीं पता गूगल पे सर्च कर लेना OMR शीट्स। और वो वैसे मैं बता देता हूँ, OMR शीट्स मतलब कि चार ऑप्शन है, तो उन 4 ऑप्शंस में से एक पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और ऐसा कुछ है। और ये हो जाएंगे हमारे एग्ज़ाम्स नवंबर दिसंबर में। अब एग्ज़ाम 2 की बात करते हैं। एग्ज़ाम 2 जो है वो सालों से जैसा एग्ज़ाम चल रहा है वैसे ही आएगा, बट इसमें एक चेंज है, ये 2 घंटे का होगा। एग्ज़ाम 2 जो है वो 2 घंटे का होगा, एग्ज़ाम 1 जो है वो 90 मिनट्स का होगा। हाँ, MCQ वाला सिर्फ 90 मिनट्स ही मिलेंगे, और एग्ज़ाम 2 जो है अगर उसमें MCQ भी आते हैं तो 90 मिनट्स आपको अलग से मिलेंगे और 2 घंटे आपको अलग से मिलेंगे। फिर अब दूसरी बात, एग्ज़ाम 2 जो है वो होंगे हमारे मार्च और अप्रैल में, और मार्च और अप्रैल में हो जाएंगे। और इन्होंने कुछ ऐसा मतलब सिचुएशंस भी बनाई हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम ये करेंगे, मतलब ये हर बार की तरह अपन को लटका के नहीं रखेंगे। तो इसमें इन्होंने 4 सिचुएशंस बताई है। 4 सिचुएशंस में अगर मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अगर स्कूल ओपन होते हैं तो स्कूल में आना पड़ेगा। अगर टर्म 1 के टाइम पे यानी कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे अगर कोविड ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो फिर टर्म 1 जो है एज के वो MCQ वाली है तो अपन उसको ऑनलाइन, ये लोग उनको ऑनलाइन दे देंगे। अब अगर टर्म 2 में यानी कि मार्च अप्रैल में अगर ये बढ़ जाता है तो फिर ये टर्म 2 जो है उसको कैंसिल कर देंगे और टर्म 1 के बेस्ड पे ही आंसर दे मार्कशीट रेडी कर देंगे। बट अगर ऐसा होता है कि टर्म 1 और टर्म 2 या नवंबर दिसंबर और मार्च और अप्रैल दोनों में ही अगर कोविड ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर ये लोग इंटरनल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क्स और इन सारे कुछ के ऊपर ये हमारी मार्कशीट को रेडी कर देंगे। बस इतना सही है CBSE का अपडेट। सो बस रेडी रहो, जब सिलेबस आ जाए तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। वैसे हमारी स्टडी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, कल से स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी। सो ये था हमारा CBSE का शेड्यूल सिर्फ 2 मिनट्स में। लोग पता नहीं इसको क्यों 1-2 घंटे का डिस्कशन कर रहे हैं।